क्या आपको पता है 21वीं सदियों में आज मनुष्य ने अपने जीवन में कितने बदलाव लाए। इंसान का माइंड मतलब दिमाग कितना ताकतवर हो गया है। आज मनुष्य ने किन किन चीज़ों का निर्माण किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली बड़ी बड़ी इमारतें भी आज मनुष्य ने कर दिखाई है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले काम आज इंसान ने कर दिखाए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनडी क्रिएटिव में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत सहित दुनिया के ऐसे टॉप 10 समुद्री पुलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 समुद्री ब्रिज। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को करते हैं। समुद्र पर पुल, अपने आप में यह शब्द रोमांचित और आश्चर्यचकित करता है। यात्रा करते समय जब ट्रेन किसी नदी के ऊपर से गुजरती है तो खिड़की से बाहर देखते समय जान निकल जाती है। नदी में बने पुलों को देखते ही समय मन में खुद से सवाल उठता है कि क्या वाकई इन्हें इंसान ने बनाया है। खैर, अब नदी से हम आगे बढ़ चुके हैं और इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे समुद्र पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 पुलों के बारे में। जाहिर तौर पर इंसान ने जिन चीज़ों का निर्माण किया है उसमें से समुद्री पुल सर्वाधिक नायाब कृतित्व में से है। नंबर 10, वाशी ब्रिज। इस ब्रिज का निर्माण 1987 में मुंबई शहर से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए किया गया था। यह ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के साथ मुंबई में प्रवेश का चौथा पॉइंट है। इस ब्रिज को ठाणे क्रीक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिज 1837 मीटर लंबा है। इस पुल से हजारों की संख्या में रोज गाड़ियां का आगमन होता है, जिससे मुंबई से नवी मुंबई जाने वाले लोगों को काफ़ी कम समय लगता है। नंबर 9, आकाशी कैको पुल। जापान का आकाशी कैको ब्रिज की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी तुलना दुनिया के बेमिसाल समुद्री पुलों में होती है। यह ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने में से है। यह ब्रिज 1998 में बनकर तैयार हुआ था। इस ब्रिज को पर्ल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि यह बिना खंभों के सहारे खड़ा है। इस ब्रिज की लंबाई 1991 मीटर है। यह ब्रिज कोबे शहर से आवाजी आइलैंड को जोड़ता है। नंबर 8, सुदामा सेतु। यह सेतु भक्तों के लिए द्वारका में समुद्र पर बना देश का एकमात्र पैदल यात्री रोप ब्रिज है। इस ब्रिज को लोग सुदामा सेतु के नाम से भी जानते हैं। इस पुल के जरिए भगवान द्वारकाधीश का दर्शन आसानी से किया जा सकता है। भक्तों को 5 कुएं के दर्शन के लिए अब तक जान जोखिम में डालकर नाव या बोट से जाना पड़ता था, लेकिन इसके बन जाने से अब दर्शनार्थियों की परेशानी दूर हो गई है। इस रोप ब्रिज के एक खास तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पुल में कभी जंग नहीं लगने देगा। नंबर 7, पंबन रेल ब्रिज। यह ब्रिज भारत का पहला समुद्रीय ब्रिज है। इस ब्रिज को इंदिरा गांधी ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। यह ब्रिज रामेश्वरम को पंबन आइलैंड से जोड़ता है। इस पुल को 1914 में यातायात के लिए खोला गया था। इस पुल से मालवाहक जहाज, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल के टैंकर आदि गुजरते हैं। करीब 102 साल पुराने होने के बावजूद भी इस पुल की स्थिति अभी भी बेहतरीन मानी जाती है। नंबर 6, अरोली ब्रिज। इस ब्रिज की अपनी एक अलग पहचान है। इस ब्रिज की सुंदरता देखते ही बनती है। यह दूसरा ऐसा ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। यह ब्रिज 3.8 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज ठाणे बेलापुर और ईस्टर्न हाईवे को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस ब्रिज के बनने से ठाणे और बेलापुर के लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो गई है। नंबर 5, गोल्डन गेट पुल। अमेरिके का यह गोल्डन सेतु दुनिया के प्रसिद्ध पुलों में से एक है। यह पुल अपनी सुंदरता के विश्व भर में सराहा जाता है। इस सेतु का निर्माण 1937 में हुआ था। यह पुल अमेरिके का नगर फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ता है। इस पुल ने सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया को एक अलग पहचान दिलाई है। इस बात में दो राय नहीं, इस पुल का एक इतिहास भी रहा है कि कुछ पर्यावरणवादी और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के स्थानीय नागरिक इससे निर्माण के विरोध में थे।
नंबर 4 बांद्रावरली सी लिंक। बांद्रावरली सी लिंक पुल ने मुंबई को एक नई पहचान दिलाई है। इस ब्रिज की सुंदरता देखते ही बनती है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्रीय ब्रिज है। यह ब्रिज भारत के 10 आधुनिक अजूबों में गिना जाता है, जिसका नाम राजीव गांधी सेतु है। यह ब्रिज माहिम वे पर बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है और इस ब्रिज की लंबाई 5.6 किलोमीटर है। इस पुल की खास बात यह है कि यह ब्रिज 8 लेन ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इस ब्रिज के माध्यम से 45 मिनट का सफर 6 मिनट में तय किया जा सकता है। कहा जाता है कि इसके निर्माण में 10,000 लोग लगे थे। नंबर 3 ग्रेट बेल ब्रिज। ग्रेट बेल फिक्स लिंक दुनिया के सबसे बड़े पुलों में से एक है। ग्रेट बेल ब्रिज 6,790 मीटर लंबा और 154 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज डेनमार्क के जीलैंड द्वीप को फनेन द्वीप से जोड़ता है। इस ब्रिज की रूपरेखा डेनिश वास्तुकार डेसिंग वेटलिंग ने तैयार की थी। यह ब्रिज की लंबाई जूलैंड और फिनन के बीच तक 18 किलोमीटर लंबी है। नंबर 2 ओरेसुंड पुल। समुद्र पर बना यह पुल डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 1995 में शुरू हुआ था, जो अगस्त 1999 को पूरा कर लिया गया था। इस पुल की बनावट बेमिसाल है। इस पुल की लंबाई 7.8 किलोमीटर है। यह डबल ट्रैक पुल है, जिसमें एक ओर ट्रेन के लिए और दूसरी ओर से मोटर के लिए रास्ता बनाया गया है। इस पुल के साथ एक डाटा केबल भी लगाया है, जो फिनलैंड को इंटरनेट से जोड़ता है। नंबर 1 किंगडाओ हाइवान ब्रिज। कोई कुछ भी कहे, लेकिन पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में चीन बेहद आगे है। पूरी दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मिसाल बनाते जा रहे चीन में अजीबों की कोई कमी नहीं है। इसका एक उदाहरण चीन के किंगडाओ शहर में प्रशांत महासागर के निकट मौजूद किंगडाओ हाइवान ब्रिज है। यह ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा पुल भी माना जाता है। इससे पहले अमेरिका के लुसियाना स्टेट के 37 किलोमीटर लंबे पुल को पानी पर बने सबसे लंबे पुल का दर्जा हासिल था। इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है, तो इस ब्रिज में 5,200 खंभे लगे हैं। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा था। जानकारी की माने तो यह पुल इतना मजबूत है कि यह 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके भी तक झेलने की ताकत रखता है। यह ब्रिज आम जनता के लिए 2011 में चालू कर दिया गया था। यह पुल 8 लेन का है। इस पुल के बन जाने से किंगडाओ सिटी और हुंगडाओ के बीच 120 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कुछ बुद्धिमान लोग ही बता सकते हैं। तो IAS इंटरव्यू में पूछा गया सवाल। इंटरव्यू 10वीं मंजिल पर चल रहा था। कैंडिडेट से कहा गया कि आप खिड़की से कूद जाइए, अगर आप जिंदा बचे तो आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो वह कैंडिडेट ने क्या किया होगा? जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। अगर इसका आंसर जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने पोस्ट कर दिए, उसको आप दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए डिसलाइक। और हमारे ऐसे ही नई नई वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे एनडी क्रिएटिव चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।